अब बाइक को थोड़ा खींचते हैं। अगर आप लोग ये वाले वीडियो पे डायरेक्टली जंप करके आए हो विदाउट सीइंग माय प्रीवियस वीडियो, तो मैंने मेरे लास्ट वीडियो में कुछ एक्सेसरीज को अनबॉक्स किया है फॉर द प्रोकस रश 2.0, जैसे कि लेंस कैप हो गया, जैसे कि उसके लिए एक रबराइज्ड केस हो गया। सो मेक श्योर यू चेक आउट द प्रीवियस व्लॉग और शुरू करते हैं ये वाला मोटो व्लॉग। नाउ लेट्स स्टार्ट। आई होप कि मेरी आवाज अभी प्रॉपर आ रही है, बिकॉज मैंने निकलने से पहले हमेशा की तरह टेस्ट नहीं किया, हमेशा की तरह फोन नहीं करता जब भी मैं व्लॉग करता हूँ। अगर आपको अभी लेट मी जस्ट रिजेक्ट दिस, ओके डन। मुझे बस एक बार कैमरा एंगल प्रॉपर सेट करना होगा, उसके बाद नाउ आई थिंक दैट एंगल इज परफेक्ट एंड इवन माई साउंड इज कमिंग परफेक्ट। एंड करेंटली इट 6:30 इन द आफ्टरनून और इन द इवनिंग। ये टाइम पे मत जाना बिकॉज ये घड़ी हमेशा आधा घंटा आगे रहती है। बट अब क्या मस्त टाइम पे निकला हूं मैं आज। वैसे तो मैं सुबह निकलने वाला था बट देन सुबह थोड़ा सा लेट हो गया, अराउंड 11-12 बज गए थे, सो आई कांट गो। एक्चुअली आई कैन गो बट देन धूप बहुत होती है, सो मैंने सोचा शाम को ही निकल जाएंगे। बस एक ही चीज की राह देख रहा था कि कब धूप कम हो और मैं जरा एक बाहर चक्कर मार के आऊं। और ये वही रोड है जहां पे मैंने मेरा जुगाड़ वाला फोन माउंट करके यहाँ पे फोटो खींचा था फॉर माई थंबनेल। एंड जस्ट लुक एट द व्यू। और ये उन व्यूवर्स के लिए जो सिर्फ ये वीडियो फुटेज या सैंपल देखना आए हो फॉर द प्रोकस रश 2.0, आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी है। अगर हो पाए तो आप लोग ये सैंपल वीडियो को पीसी में देखो एट 1080p, तो आपको इसका ओरिजिनल रिजोल्यूशन पता चलेगा। और अभी लोग मुझे बहुत ही वियर्ड लुक दे रहे हैं। आई होप कि हवे की आवाज ना आ रही हो। इतनी काफी है छोटे से हाईवे पे, बिकॉज अगर गलती से भी कहीं से कोई आ गया ना बीच में तो मेरी तो लग जाएंगे। और ये COVID-19 के बाद मोस्टली सब जगह पे गवर्नमेंट ने CCTV इंस्टॉल करवा दिए हैं। एंड आई थिंक ऐसा एक रूल भी है कि आप लोग कार के अंदर भी आप सबको मास्क पहनने पड़ेंगे, इट्स मैंडेटरी ऑफ कोर्स। और गवर्नमेंट बसें शुरू करके बहुत ही गलत किया हो, देख के करो यार। अभी समझ नहीं पड़ता कि इन लोगों को 500 रुपए का दंड है, ये लोग ऐसे ही थूके जा रहे रास्ते पे। इनका फोटो पाड़ के देना चाहिए पुलिस को तो पता चले इन लोगों को ऐसे ही चले। और यहाँ पे आई थिंक कुछ गड़बड़ हुई है बिकॉज पुलिस वाले सबको रोक रहे है। कोई नहीं, अपन तो चलते। अब बस ये, और अब ऐसा ना हो कि मैं घर जाके ये फाइल्स को पीसी में ट्रांसफर करूं और मेरा पोपट हो जाए कि कुछ प्रॉपर व्यू या प्रॉपर साउंड ना आया हो, बिकॉज हमेशा की तरह मैंने निकलने से पहले कुछ चेक नहीं किया। एंड दिस इज द मेन उदयपुर हाईवे एंड दिस इज द मेन अहमदाबाद टू उदयपुर हाईवे। बहुत सालों बाद चलाने के बाद बहुत ही मजा आ रहा है, स्पेशली बाइक को इतना भगाने के बाद। एंड यू नो इट वाज ऑलवेज माय ड्रीम कि मैं एक अच्छा सा मोटो ब्लॉग शूट करूं, एंड दिस इज माय फर्स्ट मोटो ब्लॉग जिसे मुझे काफी मजा आ रहा है। आई एम जस्ट फीलिंग ऑसम यू नो।
और यहाँ की एक सबसे गंदी बात ये जो आपको मेडिसिन हॉस्पिटल दिख रहा है सामने, वो है पूरे सावरकांठा का कोविड 19 सेंटर और उसके नीचे ही उज्जीवन बैंक है। मींस बैंकर्स को तो भी सबसे ज्यादा रिस्क है टू गेट इन्फेक्टेड बाय द कोविड 19 वायरस। एंड अ फनी थिंग, मैं मेरा वॉलेट लेना ही भूल गया, मतलब कोई अगर गलती से भी अटक गया ना तो मेरे तो लग जाएंगे, बिकॉज मैं ये ट्राउजर में ही बाहर निकला हूँ। और अगर आप में से किसी को भी बाइक ना आती हो ना, देन सीखने का आप शुरू करना डिस्कवर या कोई तो वैसी वाली नॉर्मल बाइक से, बिकॉज मैंने बाइक सीखनी शुरुआत की थी वो थी KTM ड्यूक। तो तब से मेरा यहाँ पे गियर देखने का ऐसे आदत पड़ गई है कि बिना गियर देखे कभी कभी मैं ऐसे कंफ्यूज हो जाता हूँ कि बाइक कौन से गियर में चलते, और मुझे बार बार देखना पड़ता है और कभी कभार ऐसे घूम घूम करके चेक करना पड़ता है। वैसे तो ये बुरा है बट स्टिल क्या करे। If you go right, then we'll go to the Mavin Nagar, means के proper city वाला area आप कह सकते हो। अगर हम लोग straight गए तो आएगा सीधा मेरा घर का पीछे वाला रास्ता, but हम थोड़ा सा घूम के चलते हैं। मुझे हमेशा की तरह समझ भी नहीं आता कि मैं कैमरे में देखूँ या रोड को देखूँ या फिर स्क्रीन को देखूँ के कौन से गियर में बाइक चल रही है। वैसे तो मैं आज परफेक्ट टाइम पे बाहर निकला हूँ, राइट नाउ इट्स 6:40 इन द इवनिंग। ये टाइम पे मत जाना, मैंने पहले कहा ये हमेशा घड़ी आधा घंटा आगे पीछे हो जाती है, बिकॉज बाइक कभी कभार चालू होती है कभी कभार बंद होती है, सो ये अभी उतना प्रॉपरली कैलिब्रेट नहीं है। इफ यू गो राइट देन मेन सिटी आएगा, सीधा जाएंगे तो मार्केट आएगा, एंड लेफ्ट जाएंगे तो हम घर वाले रोड पे चले जाएंगे। और वो जो मुझे दो लंबे स्क्रूज मिले वो ये वाली लेफ्ट साइड जो आपको शॉप दिख रही है वो येलो बोर्ड वाली, वहां से मिले पूरा दिन घूमने के बाद। इसे इंडियन जुगाड़ू कहते हैं, रोड बंद है फिर भी ये लोग बाजू में से जा रहे हैं, और गवर्नमेंट का पागल है कि उन्होंने ये वाला रोड खोल दिया। एक्चुअली मैं राइट और लेफ्ट का एंगल देखना भूल चुका हूँ, अभी जब मेरा ध्यान गया कि राइट साइड लेफ्ट साइड थोड़ा ऊपर नीचे होगा, सो ये मोटर ब्लॉग या फिर ये ट्रायल वाले मोटर ब्लॉग के लिए चला लेना, अगली बार मैं सब प्रॉपर सेटअप के साथ बाहर निकलूंगा। अब बाइक को थोड़ा खींचते हैं। और वो जो यहाँ पे अभी व्हाइट लाइट ब्लिंक हो रही थी वो बेसिकली मैंने एक सेटिंग रखी है कि जब भी आरपीएम एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर जाए तभी व्हाइट लाइट ब्लिंक होगी, कि वो मुझे छोटा सा सिग्नल देके अब गियर अप या फिर गियर डाउन करो। वैसे तो गियर अप के लिए होता है, सो या अब एक अच्छा सा थंबनेल के लिए फोटो लेके अपन चलते घर पे। ये देखो दूसरे बैंड है फिर भी ये लोग ऐसा ही करते हैं। इन सबको फाइन भरवाना चाहिए। ये मैंने तीसरा देखा, आई थिंक कल भी एक देखा था और आज दो बंदे देखे। अब यहाँ पे एक मस्त वाला थंबनेल का फोटो लेके चलते हम सीधा घर पे। इसे करते थे फ्रंट मोड में एंड I have to open my windshield and then take a peek. I think it's a good one, right? Now let's get windshield को धीरे से बंद करते because camera angle मुझे थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ता है। Whenever I just open my windshield and put it down, थोड़ा सा वापस angle ऊपर कर लूँ, yeah. और ये मैंने पेट्रोल लास्टली तब भरवाया था, आई थिंक आप लोगों को पता होगा, जिस दिन मेरे फोन ने मेरे को धोखा दे दिया था तब। एंड हियर वी आर बैक टू पवेलियन। मजा आ गया बॉस आज तो, मजा आ गया बॉस। स्पाइडरमैन। सो कैसा लगा गाइस ये वाला मोटर व्लॉग? अगर आपको और भी मोटर व्लॉग्स देखने हैं तो ये वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप लोगों को गेमिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप मेरी दूसरी चैनल भी चेकआउट कर सकते हो जिसका नाम है व्लॉगवर्स गेमिंग। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दासविदानिया। और हाँ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो के हाउ वाज दिस मोटर व्लॉग।
कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो तो मुझे बताना, मैं उसमें जरूर गौर करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दासवितानिया।